आज हम बात करने जा रहे हैं वो पांच गलतियों की जो आप एज अ बायर करते हैं बिफोर बाइंग ए न्यू कार। यहाँ तक तो बात हुई गाड़ी और उसके प्रोटेक्शन के बारे में, पर अब हम बात करेंगे उन पांच गलतियों की जो आप एज अ बायर यूजली करते हैं गाड़ी खरीदते समय। जी हाँ, जब भी आप गाड़ी खरीदते हो तो आपने ये चलन देखा होगा कि कोटिंग आपको साथ में कॉम्प्लीमेंट्री या फिर डीलर की तरफ से ऑफर की दी जाती है। नो डाउट वो एक अच्छा ऑप्शन है नई गाड़ी को ही हाथ के हाथ प्रोटेक्ट कराने का, बट आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है, डीलर का मेजर काम सेलिंग है, तो सेलिंग में वो एक्सपर्टीज उनकी गाड़ी बेचना है ना कि डिटेलिंग करना, और 90% केसेस में ये होता है कि वो उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कोई अच्छा डिटेलर ही ढूंढें जो एक प्रोफेशनल हो और आपकी गाड़ी पे हाई लेवल कोटिंग कर सके और एक क्वालिटी डिलीवरी दे पाए। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं डिटेलर हूँ, बट क्योंकि हमारे सामने कई सिनेरियोज आते हैं जहाँ पे कस्टमर ने डीलरशिप पे कोटिंग कराई होती है और उन्हें फिर से भी करानी पड़ती है क्योंकि सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल बहुत लो होता है। इसलिए उकावत भूलनी नहीं चाहिए कि जिसका काम उसी को साधे। जो आप कई बार जल्दबाजी में अपनी गाड़ी किसी नौसिखिए या फिर इनएक्सपीरियंस आदमी के हाथों में दे देते हैं और नुकसान के पूरे चांसेस होते हैं, इसलिए फाइंडिंग एक्सपीरियंस डिटेलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, चाहे कोई इंजीनियर या फिर एक डिटेलर, क्योंकि एक्सपीरियंस आदमी जानता है कि किस प्रोडक्ट किस गाड़ी पे क्या अच्छा सूट करेगा और वो ये भी जानता है कि किस प्रोडक्ट की आफ्टर लाइफ कैसी है और क्या प्रोडक्ट इंडियन कंडीशन के हिसाब से अच्छा चलता है। आप कभी कभी इतना रिसर्च में घुस जाते हैं और इतना सस्ते प्रोडक्ट ढूंढने जाते हैं कि आप अपनी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इसलिए फाइंडिंग अ राइट डिटेलर जो कि आपको एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट विद राइट प्राइसिंग दे पाए ढूंढना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी गाड़ी देते हैं, नो डाउट आपकी गाड़ी नई है और आप उसे जल्दी से जल्दी चलाना चाहते हैं, बट जितना डिटेलर आपसे टाइम मांग रहा है आप उसे उतना टाइम दें। एक टाइम जो असाइन है वो गाड़ी पे कई फैक्टर्स के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है और एक प्रोडक्ट को तैयार करने में वो उतना टाइम रिक्वायर्ड होता है। आप कभी भी जब जल्दी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं डिटेलर को उस प्रेशर में डाल के। सो मेक श्योर करें कि उन्हें एम्पल टाइम दें। आई एम श्योर बार्गेनिंग आपका और हम सब का एक जन्मसिद्ध अधिकार है और हम हिंदुस्तानियों में बार्गेनिंग कूट कूट के भरी हुई है, बट हमें एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है और हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हम उतना ही बार्गेन करें जहाँ पे कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट आपकी प्राइस लाइन या बॉटम लाइन के पास ना आए। इसका मतलब ये है कि जब भी आप डिटेल के पास जाएँ आप बार्गेन करें, बट उसे उतना प्रेशराइज ना करें जिससे कि उसकी क्वालिटी इम्पैक्ट हो। बार्गेन करने पर आप कहीं ना कहीं अपनी क्वालिटी तो इम्पैक्ट करते ही हैं और आप डिटेलर को भी डीमोटिवेट करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इन पांच पॉइंट में से कोई ना कोई पॉइंट लॉजिकल लगा होगा और आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी नई गाड़ी परचेज करेंगे। हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी डेडिकेटेड टॉपिक के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार। बीच में लाइन में दम नहीं आई है, ऑन है तो ये उंगली कर दिया कर एक।